ओ चीन सीमारे सुधुरुची स्थिति। उभय देशर सेना एलएसी विवादियों स्थानरु पछकु हटिछन्ति। एणिकी सीमारे नियमित हेब पाट्रोलिंग। एहा सहित प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहिछन्ति समानता और पारंपरिक सुरक्षा पई दुई देशर सेना पछकु हटिछन्ति। आलोचना जरिया रे समस्यार समाधान होईछि। सेबडे दीपावली अवसर में उभय देशर सेना परस्पर को मीठा बांटी शुभेच्छा जणाइछन्ति। एलएसी विवादियों स्थानरु हटिले भारत और चीन सेना। निज निजर शिविर में मुतयन रहिबे दुई देश सैन्य। एणिकी भारत और चीन सीमारे हेबो नियमित पेट्रोलिंग। आपण देखुछंती एलएसी रे चीन सेना निर्माण करथिबा किछि क्याम्पर दृश्य। 2024 अक्टोबर 9 रो सैटेलाइट चित्र रे देवसांग रे चीन सेना कैंप निर्माण करथिबा बेलर चित्र और अक्टोबर 24 रे चित्र रे सेही कैंप आउ नाही संपूर्ण भंगा जाइछि। सेबले अक्टोबर 9 रो सैटेलाइट चित्र रे डोमचोक रे मध्ये किछि अस्थाई शिविर निर्माण सामना को आसीथिला। हेले अक्टोबर 26 रे ताहाकु हटाई दिया जाइछि। 2020 मसीहा परे एसबो कैंप निर्माण करथिले चीन सैन्य। जवाब रे भारतीय सेना मध्य सीमा रे पोजीशन नै थिला। फळरे 4 वर्ष हेला लागि रहितला तिक्तता। लागिथिबा विवाद रा समाधान स्वरूप पूर्व लद्दाख रे देपसांग ओ डोमचोक रु देही देशर सेना पछु घटि छन्ति। पूर्व अपेक्षा स्थिति एबे स्वाभाविक रहिछि। कमांडर स्तरीय आलोचना परे दुई देशर सेना पछुक हटिबा पई निष्पत्ति होईछि। पूर्वरु चीन सेना पक्षरु करा जायथिबा अस्थाई शिविर को मध्य भंगा जायछि। उभय देशर सेना एबे पछुक हटिछन्ति। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहिछन्ति आलोचना जरिया रे दुई देश सेना पछुक हटिबा पई सहमति होईथिला। ए प्रक्रिया शेष होईछि। समानता और पारंपरिक सुरक्षा आधार रे विकसित होईछि। प्रतिरक्षा मंत्री आहुरी कहिछन्ति जे एहि देश पई अनेक बलिदान देइछन्ति। सेमानक बलिदान रा महत्व को बुझिबा सह सेमानक सम्मान देबा जरूरी। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि एलएसी पर कुछ क्षेत्रों में कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों ही लेवल पर बातचीत हो रही थी। अभी हाल की बातचीत के बाद ग्राउंड सिचुएशन को रेस्टोर करने के लिए आपस में ब्रॉड कंसेंसस हुई है। यह कंसेंसस इक्वल और म्यूचुअल सिक्योरिटी के बेसिस पर डेवलप हुई है। जो सहमति बनी है उसके अंतर्गत ट्रेडिशनल एरिया में पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग के अधिकार भी शामिल हैं। इस सहमति के आधार पर डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस लगभग यह पूरा हो गया है और हमारा प्रयास होगा कि बात डिसएंगेजमेंट से भी आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए हमें भी प्रतीक्षा करनी होगी। दुई देशर सेना पछुक हटिथिबा बेले दीपावली अवसर में उभय देशर सेना परस्पर को मीठा बांटिछन्ति। गलवान संघर्ष परे भारत और चीन मध्यरे सीमारे संपर्क आहुरी बिगिड़िथिला। उभय देशर सेना मुहांमुही होइथिले। एहा परे सीमारे उभय देशर सेनांक मध्यरे तिक्तता बढ़िथिला। फळरे स्थिति रे सुधार आनिबा पई प्रयास करिथिले दुई देश। भारत सरकार अक्टोबर 21 रे सैन्य अपसारण नहीं घोषणा करिथिले। सेहिबले चीन सरकार मध्य समान निष्पत्ति नहीं अवेबे सीमारे स्थिति सुधरिबार लागिछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 उड़िया। महाराष्ट्र निर्वाचन रे